लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पर आप वन डे पिकनिक के लिए जा सको एंड वहाँ पर स्टे का ऑप्शन भी हो एंड साथ में करने को हो बहुत सारी यूनिक एक्टिविटीज़, जैसे आप फार्म टूर कर सकते हो एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट की प्लकिंग कर सकते हो एंड इस बास्केट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जमा कर सकते हो अपने लिए। उसके साथ साथ अगर पीने को मिल जाए गाय का शुद्ध दूध और उससे बनी हो चाय जिसमें लेमन ग्रास एंड जिंजर ऐड किया हो एंड इस बारिश के मौसम में अगर ऐसी चाय पीने मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड अगर जगह पूरी माथेरान के पहाड़ों से घिरी हुई हो तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी जगह पर आना है तो ज़रूर से बुकिंग कीजिए एट द रिवर स्टोन एग्रो फार्म। ये फार्म जो है वो पनवेल में है एंड अगर आप यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल लेकर आना चाहते हो तो आपको मुंबई से लग जाएंगे 1 hour 45 minutes के आसपास। यहाँ पर और भी ढेर सारे अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे फोटोज़ आप ले सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं इस फार्म के बारे में इन डिटेल आगे इस वीडियो में। विद दिस आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल जिसका नाम है नेहाज नेस्ट, जहाँ पर आप कॉन्टेंट देख पाओगे रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल। मैं हूँ नेहा।
सो अब बात करते हैं यहाँ पर स्टे के बारे में। यहाँ पर स्टे के लिए फिलहाल 3 कॉटेजेस अवेलेबल है एंड वो नए कॉटेजेस भी बिल्ड कर रहे हैं। अंदर हमें काफ़ी कंफर्टेबल स्टे का अनुभव मिलेगा क्योंकि कॉटेजेस के अंदर सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। साथ में बाहर ऐसे पैसेज एरिया भी है जहाँ पर आप वॉक लेकर पॉन्ड देख सकते हो एक, जिसके अंदर हमें टॉर्टोइज और बहुत सारी मछलियाँ भी देखने मिल जाती है। साथ में ऐसा लॉन एरिया है, आप देख सकते हो ये सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर बैठकर आप चाय पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो एंड सामने जो पहाड़ों का व्यू है उसे एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर स्टे के लिए आते हो तो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर स्टे के लिए आते हो तो आपको पूरी ऐसी होमली वाइब यहाँ पर फील होने वाली है एंड साथ में यहाँ का फूड भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। यहाँ का जो ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ से ही सारी सब्जियाँ वो लेते हैं, सब्जियाँ बनाने के लिए, खाने के लिए। एंड यहाँ पर अगर आपको ट्रीज़ के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हर एक ट्री के ऊपर ऐसे स्कैनर लगाया गया है जहाँ पर आप स्कैन करके उस ट्री की जानकारी भी ले सकते हो। तो काफ़ी नॉलेजेबल जगह है, बच्चों को भी ज़रूर से यहाँ पर आना चाहिए एंड एक सुकून भरा स्टे का अनुभव अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर से यहाँ पर आ जाइएगा। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये जगह साथ में मेरा ये वीडियो दोनों पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी ज़रूर से कीजिए और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।